शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत एक बार फिर अगली तारीख के लिए टल गई है। बुधवार 13 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में हुई सुनाई में आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई। आर्यन को एक रात और जेल में ही बितानी पड़ेगी। कोर्ट में आर्यन के वकील और एनसीबी के बीच चली बहस लंबी चली, जिसके बाद आर्यन की जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला अगले दिन के लिए सुरक्षित कर लिया है। जमानत की ये सुनवाई सेशन कोर्ट में लगभग 3 बजे शुरू हुई। इसके बाद आर्यन की जमानत पर एनसीबी और आर्यन के वकील ने दलीलें पेश की। ये सुनवाई शाम तक चली। मालूम हो कि जिस जेल में आर्यन खान बंद है, यानी आर्थर रोड जेल, वो शाम 5:30 बजे बंद हो जाती है। जेल के बंद होने पर आर्यन खान की जमानत जाहिर है नहीं हो पाएगी। अब आर्यन खान की जमानत पर अदालत 14 अक्टूबर यानी गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी। एनसीबी ने आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनसीबी ने कोर्ट में कहा, भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग बरामद नहीं हुई, लेकिन वे साजिश में शामिल थे, इसकी जांच जरूरी है। आर्यन खान पर प्रतिबंधित सामग्री की खरीद के लिए इस्तेमाल होने का आरोप लगा है और ये प्रतिबंधित सामग्री अरबाज मर्चेंट की हिरासत में मिली थी। विदेशों में भी लेनदेन की जांच होनी चाहिए। एनसीबी ने कहा कि समाज में आरोपी एक तरह का प्रभावशाली इंसान है, जिससे ये हो सकता है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे या फिर जिन गवाहों को वो निजी तौर पर जानता है उन्हें भी प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। इसके साथ ही हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जमानत मिलने पर वो देश छोड़कर नहीं भागेगा। ताज़ा तरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ।